कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हाईलाइट करना टॉप एंड बॉटम वैल्यूज को देखना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीखने वाले हैं। यहाँ पर ये जो हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और जिसमें हम सीख रहे हैं डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस। कोई भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हो तो यह जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो सीख लेना। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, और प्रॉमिस करो कि एक ही हफ्ते में सीख लो ना, ठीक है? 2-3 महीने तक मत टालना, जितना जल्दी हो सके देख डालो, प्रैक्टिस कर लो, सीख लो, ठीक है? मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं ऐसे ही करता हूँ सभी कोर्सेस को, ओके? सो यहाँ पर आज देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ, और ये जो डेटा हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में यूज़ कर चुके हैं, तो आप तो जानते ही हो, ठीक है? पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ध्यान से स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हमारी वीडियोस के ज़रिए आपका माइंड फोकस रहेगा आपकी एजुकेशन पर, और आप भी बहुत अच्छा पैकेज जो है वो ले सकते हो कॉरपोरेट सेक्टर में, राइट? सो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए ये वाला जो हमारा कॉलम है इसको ना पहले मैं नंबर फॉर्मेट में ले लेता हूँ। अब इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम करने वाले हैं, तो हाईलाइट एंड टॉप बॉटम देखेंगे हम, राइट? तो हाईलाइट वाला देखते हैं। अब देखो ग्रेटर देन, अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लिख सकता हूँ, और उससे बड़ी जो वैल्यू होगी उसके ऊपर मैं कोई सा भी इधर क्या दे सकता हूँ, डिज़ाइन दे सकता हूँ एक तरीके से, राइट? जैसे कि बोल दिया जाए कि मेरे को बताओ 1000 से ऊपर यूनिट सोल्ड वाला डेटा, तो इस तरीके से आप हाईलाइट करके दे सकते, मतलब सेंड कर सकते हो जो भी आपके बॉस हैं या मैनेजर हैं, राइट? कस्टम फॉर्मेट भी है, लेकिन वो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हो कस्टम फॉर्मेट में जा रहे हैं, तो वो फिर और डिज़ाइनिंग मांग रहा है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो अभी डिज़ाइनिंग पर फोकस करना नहीं है, हमारा जो मेन मकसद है वो है एनालिसिस पर फोकस करना, राइट? तो डिज़ाइनिंग वाला भी करवाऊंगा, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, डिज़ाइनिंग वाला भी करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारा जो मेन मेन एनालिसिस है ना, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस से रिलेटेड चीज़ें, वो पहले हम कवर करें, ओके? उसके बाद डिज़ाइनिंग तो फिर करना ही है, बिकॉज रिपोर्ट्स डिज़ाइन करनी होती है, तो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट्स भी करेंगे, ओके? तो चिंता मत करो, यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो ग्रेटर देन वाला आप देख लो, राइट? इसी तरीके से आप लेस देन वाली वैल्यूज भी दे सकते हो, बिटवीन आप दे सकते हो कि इन वैल्यूज के बीच में। अब बिटवीन में देखो क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूँ 549, ठीक है, 549 और 3419, तो जो वैल्यूज आप दोगे ना वो भी सिलेक्टेड होती हैं, क्योंकि देखो 549 और ये जो फर्स्ट सेल है ये भी 549 है, तो ये भी लाइट रेड फिल हो रखा है, ठीक है, विद डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब इसके बाद इक्वल टू, अगर आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू सर्च कर रहे हो, जैसे कि क्या 100 है कोई वैल्यू, ठीक है, मैं जैसे 549 देता हूँ, तो देखो 549 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इधर, डार्क रेड, आई मीन डार्क रेड टेक्स्ट विद लाइट रेड फिल, ओके? टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब मान लो कोई पर्टिकुलर, जैसे मैंने इधर लिख दिया 1, तो देखो जिन जिन वैल्यूज में 1 आ रहा है वो आपको डिस्प्ले हो चुकी हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन्स इसमें हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं PASEO लिखता हूँ, तो देखो PASEO वाले सेलेक्ट हो गए, राइट? यहाँ पे मैं कोई भी इनको कलर दे सकता हूँ। डेट वाला देखते हैं, जैसे कि ये डेट है, अब इसमें मान लो पहले तो कुछ डेट ले लेते हैं हम, राइट, ये हमने डेट ले लिया है, ठीक है, ये इसी महीने की डेट है, राइट? सो अब यहाँ पर, अब आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ हैं, सो दिस मंथ, तो दिस मंथ की को जो जो वैल्यूज होंगी, मतलब इस महीने की, वो सभी इस डिज़ाइन में हो जाए, राइट? अब डुप्लीकेट वैल्यूज़, अब देखो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करना, सेलेक्ट ज़रूर कर लेना डेट ऑकरिंग, ठीक है ना? तो सेलेक्ट कर लेना पूरे कॉलम को, कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से पहले,
ओके, वैसे तो मैं सेलेक्ट ही कर रहा था पूरे कॉलम को, आपने तो देखा ही होगा। अब डुप्लीकेट वैल्यूज़ आप देखो, ये तो पूरे ही डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं इसमें, राइट। तो क्योंकि ज़्यादातर आप देख ही रहे हो, ज़्यादातर एक जैसी हैं। यहाँ पर देखो तो सारे ही डुप्लीकेट है, ठीक है। पैसियो के भी डुप्लीकेट्स है, वीटीटी के भी। अब यूनिक देखो तो यूनिक तो कुछ भी नहीं है, खाली है, हेडर है। अगर मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, ठीक है। अब मैं करता हूँ यूनिक, तो देखो यूनिक जो है वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि इस कॉलम में एप्पल नाम का एक ही प्रोडक्ट है। डुप्लीकेट करता हूँ तो सब पे आ गया, लेकिन एप्पल पे नहीं आया, राइट। मोर रूल्स, मोर रूल्स में भी आप जाओगे ना, फिर ये फॉर्मूलेज और इन सब चीज़ों में आता है, और फॉर्मूलेज जो हैं वो अभी हमने करे नहीं है, जो हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम फॉर्मूलेज वाली चीज़ें कर लेंगे ना, उसके बाद हम आएंगे। और ज़्यादातर इसमें भी फिर वही चीज़ है, जैसे कि डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा आ जाएगा, कलरिंग वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम बाद में करेंगे, लेकिन चिंता मत करो, जितनी भी चीज़ें हैं ना एनालिसिस से रिलेटेड, सब कवर करता हुआ चल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से कवर करता हुआ चल रहा हूँ, कुछ भी छोड़ के नहीं चल रहा, ठीक है। बस आंख बंद करके, मतलब आंख बंद करके नहीं, भरोसा करके करते जाओ जो जो चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप खुद एक्सप्लोर करना चाह रहे हो इस मोर रूल्स को, तो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूँगा इतना दिमाग मत लगाना। जब मुझे ज़रूरत लगेगी कि हाँ इस पार्ट को सिखाने की ज़रूरत है, तब मैं सिखा दूँगा, ओके। तो अब आते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स। अब ये टॉप वाला देखो, ये आपने ना कर रखा है फिल्टर्स में, आपने किया था, ठीक है। जैसे कि ये है फिल्टर्स में, आपने करा था टॉप 10, टॉप ये बिलो, ठीक है। तो जैसे कि इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूँ, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10, टॉप 15, ऐसे ले सकते हो आप टॉप 15। तो देखो जितने भी टॉप 15 होंगे ना, वो कलर हो जाएंगे, आप देख रहे हो, राइट। टॉप 10% ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, टॉप 10% वैल्यूज, ठीक है। आप वैल्यूज यहाँ पे बढ़ा सकते हो, 30% कर सकते हो। बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10% अबव एवरेज, बिलो एवरेज, राइट। अब डेटा बार्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है, डेटा बार्स आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अब जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू है, उसका जो बार है वो उतना बड़ा है। मोर रूल्स पे जाके और इसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लेकिन वो भी फिर डिजाइनिंग वाले हिस्से में चला जाता है, तो वो भी मैं बाद में के लिए ही मैंने इसको बचा के रखा है, डिजाइनिंग वाला हिस्सा, ठीक है। तो जितना मैंने अभी कह रहा है उतना समझ लो काफ़ी है, क्योंकि ये तो एक बेसिक चीज़ें चल रही हैं अभी हमारी एमएस एक्सेल की, जो एक आनी चाहिए, राइट। मेन चीज़ें तो आगे चल के आएंगी, अभी मतलब अभी बेसिक एक्सेल चल रहा है, इसके बाद आएगा आपका इंटरमीडिएट, फिर एडवांस, फिर प्रोफेशनल लेवल पे जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो सब, तो सारी चीज़ें कवर करवा देंगे, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये हाईलाइट और टॉप एंड बॉटम, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लो ये वाला कॉलम है, ये जनरल पे है, ठीक है, जनरल है। अब इसको मैं अगर टॉप 10 आइटम्स लूँ, तो चलो इस पे ये अभी हो रहा है, मान लो बाई चांस काम नहीं कर रहा, तो आपको बस क्या करना है, इसका ओरिजिनल डेटा टाइप क्या है वो उस पे सेट कर दो बस, ठीक है। डॉलर, ठीक है, ये था ना, इस पे सेट कर दो पूरे कॉलम को, तो अब काम करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपने फ्रेंड्स को भेज दो, फ्री में सीख लेंगे, डेटा एनालिसिस प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है।